जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे गैस स्टोव के बारे में। दोस्तों ये फोर बर्नर्स वाला गैस स्टोव है, जैसे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। और दोस्तों ये प्रेस्टीज ब्रांड का है, इसका आप लोगों देख सकते हैं। और दोस्तों इस चार बर्नर्स का बेनिफिट ये रहता है दोस्तों, जब हम मॉर्निंग में हमें जल्दबाजी में हॉश पॉश में हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो दोस्तों हमारे पास टाइम वगैरह नहीं होता, तो उस केस में दोस्तों चार बर्नर्स होने की वजह से हम इसमें खाना जल्दी जल्दी कुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी आपका टाइम सेव करेगा मॉर्निंग में, या आप नाइट में भी अपना खाना बनाएंगे तो चार आइटम्स आप एक साथ इस पे बना सकते हैं। दोस्तों मैंने स्टील वाला प्रेफर किया था ग्लास गैस स्टोव के ऊपर, क्योंकि दोस्तों स्टील वाले में बेनिफिट ये रहता है कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो ग्लास वाला होता है, दोस्तों मैंने कई सारे वीडियोस उसमें देखे थे। जब मैंने अमेजोन पे गया, मैंने बाय करने के लिए गया, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ग्लास स्टोव ही थी, पर जब दोस्तों मैं बाय करने गया तो मैंने देखा कि यार ये तो इसमें तो काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे हैं जो कि जिसमें कि ये ब्लास्ट हो जाता है, कांच अचानक दूध उबल रहा है और कांच की जो लेयर जो होती है इसके ऊपर वो ब्लास्ट हो जाती है अचानक से। तो मैंने कई सारे वीडियोस में देखा तो मुझे दोस्तों वो सेफ़ नहीं लगा। और अगर आप भी दोस्तों अगर चेकआउट करेंगे अमेज़ॉन पे, अगर आप जाएंगे तो आपको भी कई सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें कि वो ब्लास्ट हो जाता है। तो दोस्तों उस वजह से फिर मैंने स्टील वाले को बाय किया था, और अभी तक मुझे मुझे दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए, मेरे को कोई इशू नहीं है दोस्तों इसके साथ, बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों ये काम करता है। दोस्तों जो बर्नर्स हैं अलग अलग शेप अलग अलग साइजेस के हैं। एक बर्नर, ये वाला बर्नर सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये बर्न होता है, वो वाला कम तेज़ी से बर्न होता है जो पीछे वाला है, तो अलग अलग हिसाब से हैं। मैं भी आपको इनको जला के दिखा देता हूँ। दोस्तों ये वाला जो बर्नर है ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से आपका खाना पकाएगा, उसका साइज़ बड़ा है। सेकंड नंबर का दोस्तों बर्नर जो होता है वो ये वाला होता है, ये थोड़ा कम तेज़ी से पकाएगा। उसके बाद ये थोड़ा और छोटे साइज़ का है, और ये सबसे छोटे साइज़ का बर्नर है। तो अलग अलग शेप्स एंड साइज़ के हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स कि आपको जल्दी खाना मतलब किस तरह का आपको चाहिए। तो मैं आपको उसको बर्न करके दिखा देता हूँ दोस्तों। स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छी खासी इनकी स्पीड है, मतलब काफ़ी पावर अच्छी है गैस की। पीछे से आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये वाला जो होता है, ये वाला ये इसके लिए है। सेकंड वाला दोस्तों उसके लिए होता है, थर्ड वाला उसके लिए होता है, फोर्थ वाला इसके लिए होता है, ये वाला इसके लिए, ये वाला इसके लिए, बाकी दो पीछे वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चलता है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास गैस पाइपलाइन है, आप चाहें तो उसकी जो गैस की जो जो पावर है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो गैस का फ्लो होता है पाइप का वो आप कम ज़्यादा करवा सकते हैं, उसको गैस वाले को बुला करके जो वो उसको कम ज़्यादा कर देता है। तो उसकी उसके अकॉर्डिंगली आप इसका जो गैस की जो पावर है उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई कांच ब्लास्ट होने का कोई खतरा नहीं है, ये सबसे ज़्यादा मेरे को बढ़िया चीज़ लगी, क्योंकि इसमें कोई कांच ब्लास्ट होने का खतरा नहीं है। तो दोस्तों मेरे से थम्स अप है इसके लिए। दोस्तों मैंने जब इसको बाय किया था लास्ट ईयर, तो दोस्तों ये मुझे पड़ा था अराउंड 4400 समथिंग का पड़ा था आफ्टर डिस्काउंट। तो दोस्तों प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं, हो सकता है अभी आपको कम का मिले या ज़्यादा का मिले, तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलता रहे। मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ, जिससे आपकी लाइफ ईजी रहे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।